तहलका न्यूज। इस के लिए बड़ी खबर झज्जर से, आपको बता देगी झज्जर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता देगी 3.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी तस्करों को काबू किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि केले की रेड़ी पर गांजे का ये सौदा किया जाता था और 400 रुपए के लिए ये आरोपी तस्कर गांजे का सौदा करते थे। आपको बता देगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 2 आरोपी तस्करों से 3.5 किलो के करीब ये गांजा बरामद किया है। विवेकानंद नगर में रेड़ी पर ये गांजा को बेचा जाता था और फिलहाल पुलिस के द्वारा ये मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि झज्जर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी तस्करों को काबू किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि केले की रेड़ी पर गांजे का ये सौदा किया जाता था। 400 रुपए के लिए ये आरोपी तस्कर केले की रेड़ी पर गांजा का सौदा किया करते थे और विवेका नगर में रेड़ी पर गांजा को बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस के लिए बड़ी खबर झज्जर से, आपको बता देगी झज्जर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता देगी 3.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी तस्करों को काबू किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि केले की रेड़ी पर गांजे का ये सौदा किया जाता था और 400 रुपए के लिए ये आरोपी तस्कर गांजे का सौदा करते थे। आपको बता देगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 2 आरोपी तस्करों से 3.5 किलो के करीब ये गांजा बरामद किया है। विवेकानंद नगर में रेड़ी पर ये गांजा को बेचा जाता था और फिलहाल पुलिस के द्वारा ये मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि झज्जर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी तस्करों को काबू किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि केले की रेड़ी पर गांजे का ये सौदा किया जाता था। 400 रुपए के लिए ये आरोपी तस्कर केले की रेड़ी पर गांजा का सौदा किया करते थे और विवेक नगर में रेड़ी पर गांजा को बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कंचन नाम का आदमी विवेकानंद नगर लाइन पर बहादुरगढ़ में गांजे का काम करता है। तुरंत प्रभाव से टीम एएसआई अनिल व उसके साथियों वहाँ मौके पर भेजे गए। मौके पर जाकर कंचन को काबू किया। जो इन्हें शक हुआ कि इसके पास से गांजा है, तुरंत प्रभाव से SDO एग्रीकल्चर को मौके पर लाया। उसकी हाजिरी में इसकी तलाशी ली गई। इसके पास से 3.50 किलो गांजा बरामद हुआ। क्या काम करता था सर ये? रेडी केले की रेडी लगाता है और इसने डिस्क्लोजर भी किया। जो परवीन उर्फ पोनी सुनो बलजीत सिंह वासी परनाला अब इसका काम करता हूँ, ये मेरे को 400 रुपये देता है, उसको भी गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं सर ये? 1 साल से बता रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ जी। तो अभी क्या कार्रवाई की गई? मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया गया है।